नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। हत्या का आरोपी गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस ने बबलू गुप्ता के सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। चार दिन पहले डिब्रुआ थाना क्षेत्र के मटियारा उर्फ भुतहावा गांव में युवक की गला रेत करके हत्या कर दी गई थी। गिरफ्तार आरोपी ने मीडिया को बताया कि उसने रॉकी हैंडसम फिल्म देख करके बबलू के कत्ल की योजना बनाई थी। आरोपी मृतक के बीच जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर के आए दिन होता था विवाद। आरोपी रिंकू चौधरी ने बबलू को विश्वास में लेकर के उसे नेपाल ले जाकर के शराब पिलाई, फिर लौटते समय डेबरुहा चौराहे से साथ में ही चाकू खरीदा और बच्ची शराब पिलाने के लिए घटनास्थल पर ले गया, जहाँ शराब पिलाने के बाद मफलर से गला कस करके चाकू से गला रेत दिया। आपको बताते चले कि आरोपी रिंकू चौधरी मृतक बबलू गुप्ता की जमीन बेमाना कराना चाहता था, जिसके एवज में उसने बबलू को कुछ पैसे भुगतान किए थे। बाकी के पैसे की मांग बबलू के द्वारा हत्या आरोपी से आए दिन की जाती थी, जिसको लेकर के दोनों के बीच तू-तू मैं-मैं होता रहता था। इससे आजीज होकर के रिंकू ने बबलू की हत्या की योजना बनाई और शराब पिला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस इस घटना के खुलासे से राहत महसूस कर रही है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। तो अभी ये हुआ है, अभी हत्या हुई थी, इसका क्या मोटिव और क्या है? देखिए, 11 जनवरी को ग्राम मटियार थाना डेबरुआ में बजरंगी गुप्ता नाम का जो 32 वर्ष का युवक था, उसकी गला काटकर किसी ने हत्या कर दी थी खेत में। उसी घटना का आज अनावरण किया गया है। थाना डेबरुआ की पुलिस एसओजी और सर्विलांस की टीम ने मिल के इस घटना का अनावरण किया है और जो घटना में जो अभियुक्त था ओम प्रकाश उर्फ रिंकू चौधरी, जो उसी गांव का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की है। जो आला कत्ल जिससे उसने मर्डर किया है, चाकू, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और जो मृतक की मोटरसाइकिल थी वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। जो घटना का जो मोटिव था, जो उद्देश्य था जिस कारण से घटना की गई, जो मृतक था, मृतक ने जिसने मारा है मर्डर करने वाले को, एक ज़मीन बेची थी जिसका पैसा इसके ऊपर बकाया था, मर्डर करने वाले के अपराधी के ऊपर। इसने वो पैसा उसको नहीं दिया मृतक को, जब उसने मांगा तो इसी के तहत इसने योजना बनाई कि ताकि पैसा ना देना पड़े और इसकी गला काट कर हत्या कर दी है। उसी बात आती जो ये जो चाकू था इसके साथ लेके दारू पिया ये? जी हाँ, इसने बताया, अभियुक्त ने बताया है कि वो मेरे साथ उठता बैठता था, मैंने उस दिन उसे 10,000 रुपया दिया और तभी मेरे दिमाग में योजना आई कि ये बार बार पैसे मांगता है और इसको दारू पिला के आज इसका मर्डर करना है मुझे। तो उसी के क्रम में 10,000 रुपया पहले उसे दिया इसने, फिर उसे अच्छे से शराब पिलाई, फिर खेत में ले जाकर उसके साथ में ही चाकू मार्केट से ख़रीदा, उसी की मोटरसाइकिल पर ये भी था और चाकू इसने ख़रीदा साथ में उसी के, और फिर खेत में ले जाकर उसका गला काट कर हत्या किया। सर जी, वो हमारे से पैसा मांग रहा था, हम पैसा दे दिए थे चौराहे पे, हमको गाली बिली दे रहा था, उसके बाद माँ बाप का भी सबको गाली दे रहा था। उसके बाद उसने बोल रहा चलिए हमारी गाड़ी बनवा दीजिए बढ़नी में, हम कहें चलिए, वहाँ भी दारू पी लिया, उसके बाद फिर गाली बक रहा था। हम आए ढगरुआ चाकू खरीदे, उसके बाद 3-4 बजे तक वो फिर और तगड़े तगड़े से गाली दे रहा था, बोल रहा था जगह तुमको नहीं दूंगा, दूसरे को लिख दूंगा। हाँ, एक जगह लेके बेबाक पैसा कर दिए थे सर। चाकू किस दुकान से खरीदे थे सर? ढबरुआ कॉर्नर पे सर। पैसा नहीं देंगे तो मार डालोगे सबको? नहीं सर, अब गलती तो हो गई है, गलती की क्षमा चाहते हैं सर, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी हमारी। तो वही रॉकी हैंडसम पिक्चर देख के, मूवी देख के उसको मार दिए, गला काट दिए। कौन पिक्चर? रॉकी हैंडसम। उसी में इसी तरह मारा था जी पिक्चर में? जी पिक्चर।